तो 1 वीक तक वेट करने के बाद फाइनली जो मेरा आईफोन है आज मेरे पास डिलीवर होने वाला था। तो सुबह सुबह यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी बॉय है उनका कॉल आ जाता है। तो मैंने ऑर्डर कराया आईफोन 14 फ्लिपकार्ट की बीवीडी सेल में 8 अक्टूबर को। बाकी आप लोगों ने इस सेल में कौन सा आईफोन ऑर्डर करा एंड क्या आपको रिसीव हुआ या नहीं ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो ये मैंने एक्सचेंज ऑफर में मंगाया था, एक्सचेंज ऑफर प्लस आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मैंने यूज करा था। ये दोनों ऑफर लगाने के बाद मेरे को आईफोन 14 का जो प्राइस है ये पड़ा 49,396 रुपीज। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये जो प्राइसिंग है कैसी लगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने भैया को अपना पुराना फोन दिया तो उन्होंने काफी बारीकी से उसको चेक किया एंड फिर उसको अप्रूव कर दिया एक्सचेंज के लिए। एंड अंदर से मेरे को थोड़ा सा धक-धक हो रहा था कि कहीं बॉक्स में से आईफोन की जगह साबुन ना निकल जाए। एंड एक तरफ मैं काफी एक्साइटेड भी था क्योंकि ये ना मेरा सबसे पहला आईफोन है जो मैं यूज करने वाला हूँ। एंड मेरे आईफोन की जो अनबॉक्सिंग है वो फ्लिपकार्ट वाले भैया ने ही कर दिया, तो अनबॉक्सिंग की थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है ना वो थोड़ी कम होगी। लेकिन इस बात की खुशी हुई भाई कि मेरे को ना आईफोन ही मिला, साबुन की टिक्की नहीं मिली। देन फिर मैंने अपने आईफोन को काफी बारीकी से चेक करा कि कोई स्क्रैच या फिर डैमेज वगैरह तो नहीं है कहीं से। एंड एप्पल की वेबसाइट पे भी जाके मैंने इसका जो सीरियल नंबर होता है उसको भी वेरीफाई करा कि कहीं ये पहले से एक्टिवेटेड वगैरह तो नहीं है। तो जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया तब मैंने उनको जो डिलीवरी का ओटीपी होता है वो शेयर कर दिया। तो फ्लिपकार्ट की जो पैकेजिंग थी ना वो मेरे को कुछ इतनी खास नहीं लगी क्योंकि भाई यहाँ पे वो सिक्योर पैकेजिंग के चार्जेस भी लेती है अलग से। एंड आप लोग कंडीशन देख सकते हो जो मेरे पास जो पैकेज है कुछ इस तरीके से डिलीवर हुआ था। बॉक्स के अंदर भी मुझे कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिला। तो मैंने मंगाया यहाँ पे आईफोन 14 128GB वाला मॉडल स्टारलाइट कलर में। तो अनबॉक्सिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी आप लोगों के सामने दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं। एंड ये रहा हमारे आईफोन का बॉक्स जिसको मैंने घुमा के चारों साइड से चेक कर लिया। एंड बॉक्स को ओपन करने की जो फीलिंग है ना गाइज, जब आप लोग ओपन करोगे तभी इसको फील कर सकते हो। एंड बाय द वे अगर आप लोग फोन को देखोगे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आईफोन 14 है या 13 है। जब तक आप बॉक्स पे आईफोन 14 लिखा पढ़ नहीं लेते तब तक आपको कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं मिलने वाला है। तो बॉक्स में यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आईफोन देखने को मिल जाता है, एंड में यूएसबी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाती है, एप्पल के कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है। तो बाकी मैं अपने आईफोन को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी भी। तो मैं अपने आईफोन के लिए कौन सा चार्जर लेने वाला हूँ, कौन सा स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगा, कौन सा कवर लेने वाला हूँ, ये ऑलरेडी मैं सबको डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइस वन मोर थिंग, जो आईफोन का बॉक्स है ना इसके ऊपर फ्लिपकार्ट की साइड से हमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगी हुई मिलती है, तो इसको भी जरूर देख लेना जब आपका डिलीवरी बॉय बॉक्स को ओपन कर रहा है तो कहीं ये जो पैकेजिंग है डैमेज वगैरह तो नहीं है। ये सेफ्टी के लिए, ताकि आपको आईफोन के डब्बे में आईफोन ही मिले। तो इस आईफोन की जल्दी डिटेल वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, इसमें गेमिंग टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट सब कुछ करके हम देखने वाले हैं। एंड गाइस जब तक मेरी डिटेल वीडियो आती है तब तक मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी ना आप लोग अपने आईफोन को जिस वर्जन पे आप लोग को डिलीवर होता है उसी वर्जन पे रखें, इसको अपडेट ना करो क्योंकि भाई iOS 17 में काफी सारे बग्स वगैरह मेरे को देखने को मिल रहे हैं। आप लोग को भी पता होगा कि ग्रीन स्क्रीन का जो इशू अभी भी चल रहा है, काफी लोग अपडेट कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ लोग जो अपडेट कर रहे हैं उनको ग्रीन स्क्रीन इशू देखने को मिल जा रहा है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से मेरी कि अपने फोन का जो अपडेट है इसको ऑफ कर देना सेटिंग्स में जाके, एंड इसका जो बीटा अपडेट है वो भी ऑफ कर देना, ऑटोमेटिक अपडेट भी ऑफ कर देना। जिस iOS वर्जन पे आपको ये फोन डिलीवर हो रहा है उसी पे रखो फिलहाल के लिए। तो डिटेल वीडियो जल्दी चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।